लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सीतापुर जनपद के मचरहेटा थाना क्षेत्र के ग्राम बेहट बीदम का है, जहां पर सुबह ग्रामीण गांव के पूरब तालाब की तरफ शौच करने गए थे, तभी तालाब के किनारे 23 वर्षीय नवविवाहिता का शव पड़ा देखा तो ये बात आग की चिंगारी की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा, जिसके बाद महिला की पहचान बीहट बीदम गांव निवासी रीना पुत्री सरजू प्रसाद 23 वर्ष के रूप में हुई। शिकायत पर भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि महिला का अवैध संबंध चौहानंदपुरवा गांव के रहने वाले विनीत नामक युवक से चल रहा था, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसकी अग्रिम सुनवाई 17 नवंबर को होनी थी, लेकिन तारीख आने से पहले ही महिला की मौत हो गई। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सीतापुर से ब्यूरो सुधांशु अवस्थी की रिपोर्ट। जिसकी तरफ हम लोग प्रातःकालीन वेला में प्रतिदिन आया करते हैं शौच के हेतु और मॉर्निंग वॉक हेतु, तो जिसमें इधर से 3-4 अन्य व्यक्ति जो गुजर रहे थे उन्होंने पहचाना, कहा एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हमने भी जाकर के पास में उसको देखा कि वो वही लड़की है, पिलूना पलक कई जिसके नाम हैं, और मृत प्राय मैंने उसके समक्ष जाने के बाद में ऐसा पाया कि वो डेड बॉडी ही है उसकी। फिर उसके बाद में जनसंसार की तरीके से सूचना फैली, लोग देखने आने लगे। मतलब कहीं से आप चौहानंदपुरवा का निवासी विनीत यादव, वो इसको लेकर पलायित हुआ था, इसका अपहरण उसने किया था 1 जुलाई को, वही मध्यान्ह वेला का समय रहा होगा, जिसमें लड़की की मां के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और एक दीर्घ समय अंतराल व्यतीत होने के बाद में इसकी अरेस्टिंग हुई। उसके बाद में अदालती बयान होने के बाद फिर पारिवारिक सदस्यों को उसको सौंपा गया था। कतिपय कारणों से चूँकि निरक्षर हैं अभिभावक, तो हुआ ऐसा, पुनः पता नहीं कैसे वो उसके साथ पुनः वो ले गया या जैसे जो कुछ रहा हो, उसके बाद में फिर यही सब सूचनाएं होती रहीं। पुनः उसकी पूर्व पत्नी जो है अपहरणकर्ता की पूर्व पत्नी, जिसका नाम कामिनी है, उसके द्वारा अदालत में केस किया गया था। पहली पेशी हो चुकी, 17 को भी पेशी होनी थी, तो जो कुछ भी रहा हो, जिस भय के कारण उसने इधर से उधर कोई कार्य किया हो, अब उसको मार डाला है उसने कि अपने मन से मरी है या क्या हुआ है। सुबह हम तो आए हैं, सब के बारे में आए हैं, तो सब यहाँ आए हैं। सब क्या देखा सबसे पहले आपने, क्या देखा? देखा जो ये मिट्टी देखा और इसी तमाम आदमी खड़े रहे हैं, तो मतलब कदमी में देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हमें लगदा गाड़ी रहे ना, देखो वो लोग क्यारी बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ फिर बताएं? हम बस इतना ही। तुम्हारा जो बता रहे थे कि कुछ पुलिस ले गई है, क्या ले गई? वो फरुआ हो। क्या नाम बताया अपना? राम। आप अपने खेत में काम कर रहे थे? तेज बोलो। लगदा गाड़ी रहे। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।